सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम आर द पॉइंट्स 3.5, m.6 एंड 1/2, 15/2 आर कोलिनियर। ठीक है, सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इनसे हम अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे तो वो जीरो होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेंगल, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। ठीक है, एंड मॉड। तो देखो, अपने हमें पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 3.5, m.6 एंड 1/2, 15/6। ठीक है, सो इसमें हम पुट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, सो देखो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 मॉड x1 इक्वल टू है 3, y2 माइनस y3, सो y2 है 6 एंड y3 है 15/2, सो ये आ जाएगा 6 माइनस 15/2 प्लस x2 है अपने पास m, सो m इंटू y3 माइनस y1। ठीक है, सो y3 है 15/2 एंड y1 है 5, तो ये आ जाएगा 15/2 माइनस 5 प्लस x3, सो x3 इक्वल टू है 1/2, सो 1/2 इंटू y1 माइनस y3, सो y1 है 5 एंड y, सॉरी ये y2 होगा बाय मिस्टेक। ठीक है, y1 माइनस y2, सो y1 है 5 एंड y2 है 6, तो अपने पास आएगा 5 माइनस 6। ठीक है, एंड ये मॉड। सो देखो, ए टू का इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 0 × 2 तो 0 हो जाएगा, सो ये अपने पास आ जाएगा 0 इक्वल टू मॉड ऑफ, अब देखो 6 माइनस 15/2, सो एलसीएम लेंगे, सो ये हो जाएगा 12 माइनस 15/2, सो 12 माइनस 15 आएगा अपने पास माइनस 3, सो ये अपने पास आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3/2। ठीक है, प्लस 15/2 माइनस 5 है, सो एलसीएम लिया, सो ये हो जाएगा 15 माइनस 10/2, तो ये आ जाएगा एम इंटू 5/2। ओके, नाउ ये 5 माइनस 6 होगा माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू 1/2, सो ये आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, मॉड, सो इससे हम लिखेंगे 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 9/2। ठीक है, 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9/2 एंड प्लस 5m/2 एंड माइनस 1/2, सो ये आ जाएगा अपने पास 0 इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 5m एंड माइनस 1। ठीक है, नाउ ये आ जाएगा अपने पास 0 इक्वल टू, देखो माइनस 9 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 10, सो ये आ जाएगा 5m माइनस 10/2। ठीक है, अब देखो मॉड ओपन करेंगे, सो अपने पास आ जाएगा 5m माइनस 10/2 इक्वल टू प्लस माइनस 0। ठीक है, सो ये तो 0 ही होगा, सो अपने पास आ जाएगा 5m माइनस 10/2 इक्वल टू 0, सो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, सो वी गेट 5m माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 5m इक्वल टू 10 एंड m इक्वल टू 2, सो वी गेट m इक्वल टू 2। सो m इक्वल टू अपने पास आ गया 2। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द पॉइंट्स -1, 3, 2, p एंड 5, -1 आर कोलिनियर। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकंड करेंगे, तो देखो सेकंड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगेन
इक्वल टू है 1/2 मॉड ऑफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई वाई थ्री माइनस वाई वन एंड प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, सो अब हमें बोला है कि जो ये पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। जो हमें पॉइंट्स गिवन है सेकंड पार्ट में वो है -1,3, ठीक है, एंड 2,p एंड 5,-1 एंड 5,-1। सो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आएगा जीरो। ठीक है, सो हम पुट करेंगे 0 = 1/2 मॉड ऑफ x1 = -1 इंटू y2 - y3 एंड y2 है p, सो p माइनस y3, सो y3 है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2, अब x2 है अपने पास 2, ठीक है, सो ये आ जाएगा 2 इंटू y3 - y1, तो y3 है -1 एंड y1 है 3, सो ये आ जाएगा -1 - 3 प्लस x3, सो x3 है 5, ठीक है, इंटू y1 - y2, सो y1 है 3 एंड y2 है p, सो ये आ जाएगा अपने पास 3 - p। नाउ ये 2 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू मोड ऑफ, ये आ जाएगा अपने पास -p एंड -1 एंड -1 - 3 कितना होगा -4 एंड -4 × 2 - 8 एंड ये आ जाएगा अपने पास 5 × 3 = 15 एंड -5p। ठीक है, सो ये आ जाएगा 0 = मॉड ऑफ -5p एंड -p हो जाएगा -6p एंड -1 - 8 हो जाएगा -9 एंड -9 + 15, सो ये आ जाएगा अपने पास +6। ठीक है, नाउ इसे मोड को हम ओपन करेंगे, सो अपने पास आ जाएगा -6p + 6 = +-0, सो ये तो 0 ही होगा। ठीक है, सो वी गेट 6p - 6p = -6। ठीक है, सो p = 1। सो दिस इज द आंसर m = 2 एंड p = 1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।